बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ऐप के ऐप के लिए, बिकॉज़ इट्स पलक मुछाल ऑफिशियल ऐप, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे फाइनली मिल रहा है जहाँ पर मैं अपने फैंस के साथ पर्सनली कनेक्टेड रह पाऊँगी. वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे और मीडियम्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लेकिन यहाँ पर मैं पर्सनली पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक फ़ैन को रिप्लाई करना या हर एक फ़ैन के साथ जुड़े रहना. बट नाउ आई फाइनली हैव दिस ऐप जहाँ पर मैं लोगों को रिप्लाई भी कर सकती हूँ, उन लोगों के मैसेजेस रीड कर सकती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर वही फ़ैन्स आएंगे जो कि रियल फ़ैन्स हैं. और हाँ, ख़ुद को मेरे जो फ़ैन्स हैं वो पलकियंस बुलाते हैं, एंड लिटरली मेरी ज़िंदगी में सारे पलकियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जब भी मेरा कोई गाना रिलीज़ होता है वो उन लोगों के लिए फेस्टिवल जैसा होता है, एंड इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे मैसेजेस रोज़ आते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ मीडियम थ्रू विच आई कैन गिव बैक दैट लव टू देम. ओके, आजकल हर कोई आ रहा है ऐप्स के साथ में, तो आपका ऐप क्या खास होगा, क्या अलग होगा? बिल्कुल भी ये सोचकर ये ऐप नहीं बनाया गया है कि कैसे ये डिफरेंट हो बाकी ऐप से. मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट की अपनी एक अलग जर्नी होती है, और मेरी ऐप पर वही दिखेगा जो कि मैं, लाइक मेरा रियल साइड. तो अगर आप आपकी जो शख्सियत है अगर वो सही प्योर मायने से सामने आ सके, तो आई थिंक दैट इट सेल्फ डिफरेंशिएट्स यू विथ फ्रॉम अदर पीपल. सो हमने ऑलरेडी शूट किया है कुछ कॉन्टेंट, एंड बहुत सारे अनप्लग्ड सेशंस हैं जो कि मैं यूजुअली पोस्ट नहीं करती हूँ अपने सोशल मीडिया पर, वो जैमिंग सेशंस. फिर जब मैं कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ तो साउंड चेक, बिहाइंड द सीन्स जब मैं शूट करती हूँ तो पीछे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें. साथ ही मेरे दो पैट्स हैं, लड्डू रघु, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है, उनसे जुड़ी बातें. सो हाँ, यहाँ पर मैं वो अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि बाकी मीडियम्स पर मैं नहीं कर पाती हूँ. सो ऑलरेडी कुछ अनप्लग्ड सेशंस हैं जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबके साथ शेयर करने के लिए, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस ऐप पर मौजूद होंगे. ओके, ऑल्सो जानना चाहेंगे फैंस आपको पर्सनली कितना जानते हैं, तो ऐप्स के जरिए मतलब बात तो आप करेंगे, लेकिन जब हम पर्सनल मैटर्स में आते हैं तो पर्सनली कितना जानते हैं? वैसे तो अभी तक मैं जो हूँ वो मेरे फैंस सब जानते ही हैं मेरी लाइफ के बारे में, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं अलग रखती हूँ अपने फैंस से, दैट पर्सनल लाइफ काइंड ऑफ थिंग. बट यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटीमेट स्पेस है, क्योंकि इट्स पलक मुछाल ऑफिशियल ऐप, इट्स नॉट लाइक इन एनी अदर सोशल मीडिया जहाँ पर और सारी बातें होती हैं और भी लोग रहते हैं. यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे सपोर्टर्स ही रहेंगे. सो येस, इट विल बी अ लिटल मोर पर्सनल. जैसे कि मैंने बताया, वो सारी चीज़ें, वो बिहाइंड द सीन्स जो कि आप यूजुअली सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करते हो, वो सारी चीज़ें. जो टॉप थ्री फैंस रहेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल मीट एंड ग्रीट्स, कॉन्टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी. सो हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जितने भी मेरे फैंस हैं उनको कुछ नया मैं देती रहूँ बार बार. दो गाने हैं, जब से मेरा दिल एंड धड़कन, और वो दोनों ही गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं. इनफैक्ट जब ये गाने रिलीज़ हुए तो, जैसे कि मैंने कहा, जब भी कोई गाना रिलीज़ होता है, यू नो, दे मेक श्योर कि जो भी सपोर्टर्स हैं वो ट्रेंड करने लगते हैं. सो यस, इन दोनों गानों को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, एंड आई एम इवन मोर एक्साइटेड अबाउट दी सॉन्ग्स दैट आर कमिंग अप दिस ईयर, बिकॉज इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइनअप है सॉन्ग्स का. इनफैक्ट मैं वेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि कब एक एक गाना आता जाए और मैं सबके साथ शेयर करती जाऊँ. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फेस ऑफ माय करियर सो फार. ओके, पलक, आप एक रियलिटी शो की एज अ जज भी रहती हैं, तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सोनू निगम जी ने बोला है कि अभी जो ये रियलिटी शोज वगैरह हाँ, तो वो जो है ना वो ज़्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बाकी रियलिटी शोज़ के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकती, बट मैंने जो रियलिटी शो किया था वो ज़रा भी स्क्रिप्टेड नहीं था. ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो एंकर बोलते हैं या जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो ऑब्वियसली राइटर लिखते ही हैं, लेकिन जहाँ तक जजमेंट का सवाल है या जहाँ तक हमारे इंटरेक्शंस का सवाल है, बिकॉज आई डिड द वॉइस और उसमें आई वॉज़ नॉट ओनली अ जज बट आई वॉज़ ऑल्सो अ कोच, तो उसमें मैंने पर्सनली उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, तो वो शो तो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था. आई कैन नॉट कमेंट अबाउट अदर शोज बिकॉज आई हैवंट बीन पार्ट ऑफ दोस, बट हाँ, वो रियलिटी शो तो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था. ओके, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग्स वगैरह इन्वॉल्व भी बहुत होते हैं. यस, जैसे कि अभी हाल ही में
अवार्ड्स हुए हैं जिसके जिसमें रणवीर सिंह को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पुलिस ऑफिसर के गोद में कुछ पोजेस किए, तो ट्रोलिंग्स वगैरह बहुत होती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लकीली फॉर्चुनेटली एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अ बिट, मुझे अभी तक प्लीज़ इसे सीरियसली मत लेना और आगे से मत करने लगना, बट मुझे अभी तक किसी भी चीज़ के लिए ट्रोल नहीं किया गया. इनफैक्ट मेरे जो साथी लोग हैं इंडस्ट्री में, वो हमेशा जब भी हम मिलते हैं, यू नो, दे ऑल टॉक अबाउट हाउ नेगेटिव इज़ अ सोशल मीडिया गेटिंग, बट फॉर्चुनेटली आई हैवन्ट रिसीव्ड एनी नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया एज सच. जितने भी कॉमेंट्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पर्सनली रीड करूँ मैसेजेस, सो मुझे अभी तक सिर्फ पॉजिटिविटी मिली है. बट आई थिंक जिनके ट्रोलिंग होती भी है, इट शुडन बी टेकन सो सीरियसली. मुझे लगता है जितनी पॉजिटिविटी हम फैला सके, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ह्यूज मीडियम सोशल मीडिया, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, आई थिंक उतना बेटर है. मैं नाम शेयर नहीं करना चाहूँगी, बट जिस तरह कौन तुझे प्रेम रतन आशिकी टू, ये गाने मेरे करियर में माइलस्टोन्स बन चुके हैं. मुझे लगता है कि आने वाले जो गाने हैं वो उसी तरह माइलस्टोन्स बनने वाले हैं, बिकॉज बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे गाने मुझे मिलते हैं. जब भी मुझे किसी गाने के लिए बुलाया जाता है, तो वो ऐसा गाना होता है जहाँ पर मैं यू नो गायकी वाला गाना, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो नॉट ओनली सॉन्ग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे अनाउंसमेंट करती जाऊँगी, और नाउ ऑनवर्ड्स एक्सक्लूसिवली सबसे पहले मेरी ऐप पर. सो यस, तो आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ. हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ. कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. हाँ, हाँ, हाँ. थैंक यू.